हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का सब्जेक्ट है एजुकेशनल एक्टिविटी एंड टॉपिक है हिस्टोरिकल पिक्चर्स। ओके, तो पहले हम लोग जान के लेंगे व्हाट इज हिस्टोरिकल पिक्चर्स, मतलब क्या रहता है हिस्टोरिकल पिक्चर्स। ओके, तो चलो देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल पिक्चर। हिस्टोरिकल पिक्चर मतलब क्या? They examined them to see what life was like in the period they were showed. Historical photos can yield a lot of information. For example, a military historian can sometimes look at a photo of soldier and tell from his uniform not only what war he fought in, but also where and in what year he fought. So, historical picture में से हम लोग को पहले के जमाने में क्या हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग historical, okay? तो एक पिक्चर देख के या फिर एक फोटो देख के हम लोग उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। जैसे कि मिलिट्री हर एक जन एक एक हिस्टोरियन में स्पेसिफिकेशन करता है। जैसे कि मिलिट्री हिस्टोरियन रहता है वो एक सोल्जर का फोटो देख के भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। उसका नॉर्मल यूनिफॉर्म देख के भी वो सोल्जर कब कौन सा वॉर फाइट किया था, कौन से साल में फाइट किया था, ये सब हम लोग को बता सकते हैं। सो ये अलग अलग टाइप के हिस्टोरियन रहते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेसेस भी रहते हैं। ओके, सो आपका एक्टिविटी आज का क्या है, आपको हिस्टोरिकल पिक्चर्स इन इंडिया, आपको हिस्टोरिकल पिक्चर्स इन इंडिया, आपको कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है रेड फोर्ट, तो आपको वो फोटो लेना है। आपके पास अगर फोटो रहेगा तो आप चिपका सकते हैं फोटो, नहीं रहेगा तो आपके पास कोई चार्ट रहेगा जहाँ पे फोटोज आपको मिल सकते हैं, वो कटिंग करके चिपकाना है और उसके बारे में आपको तीन चार लाइन की इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मैंने यहाँ पे रेड फोर्ट के फोटो निकाला है और रेड फोर्ट की इंफॉर्मेशन दिया है। द रेड फोर्ट इज अ हिस्टोरिक फोर्ट इन द सिटी ऑफ दिल्ली, दैट इज ओल्ड दिल्ली इन इंडिया, दैट सर्व्ड एज अ मेन रेसिडेंस फॉर द मुगल एम्परर्स। ओके, सो ऐसे आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। आपको ज्यादा से ज्यादा पांच हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है उसके फोटोज और उसके रिलेटेड छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बुक में लिखनी है। आपको फोटो भी चिपकाना है, फोटो आपको नहीं जम रहेगा, आप ड्रॉ भी कर सकते हो, आपका ड्राइंग अच्छा रहेगा तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। पर मुझे बहुत अच्छा मतलब समझना चाहिए कि वो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट ताजमहल के जैसे नहीं दिखना चाहिए, रेड फोर्ट के जैसे ही दिखना चाहिए। ओके, नहीं आपके पास रहेगा तो आपके पास कोई हिस्ट्री की जूनी टेक्स्ट बुक रहेगी, उसमें आपको मिला रहेगा तो उसमें से आप कट करो और चिपकाओ। ओके, सो ये आपका आज का एक्टिविटी है, बहुत अट्रैक्टिव एक्टिविटी है, बहुत सुंदर हिस्टोरिकल प्लेसेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप गूगल करके भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि फोटो जो निकालेंगे वो अच्छे से निकालना है। उसके बाद आपको फोटो सेंड करते वक्त आपको मुझे ओरिजिनल फोटो सेंड करना है, जैसे कि आपको पहले सिखाया था आपको जीमेल पे सेंड करना है या फिर आपके माय फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स में जाके गैलरी में जाके वहां से फोटो, आपका फोटो ब्लर खींचते हो तो वो हम लोग आगे यूज नहीं कर पाते। ओके, सो आपका फोटो जो है वो अच्छे से आपको क्लिक करना है, आपकी बुक आपके हाथ में पकड़ के किसी को और को आपका फोटो क्लिक करने बोलना है। ओके, सो ये है आज का एक्टिविटी। किसी को डाउट रहेगा, नहीं समझ में आया रहेगा तो मुझे कॉल कीजिए। ओके, थैंक यू एंड बाय।